परम अवतार श्री कृष्ण। मंगल तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये हाथी मेरे बच्चे के प्राण ले रहा था, अब मुझे अवसर मिला है प्रतिशोध लेने का। इंद्र की शक्तियों से वशीभूत वृंदावन वासियों के प्राण लेने आए ऐरावत की रक्षा करते हैं कान्हा। मुझे हाथी महाराज के प्राण बचाने के लिए कुछ करना होगा। किंतु वही ऐरावत करता है कान्हा पर प्रहार। मेरे ताप को सहन कर पाना संभव है धरती वासियों? प्रचंड गर्मी है मित्र, सूर्य तो जैसे आग उगल रहा है। दंड है ये, दंड भगवान के अपमान का दंड है ये। विवश कर दूंगा तुम सबको मेरी पूजा करने के लिए। इंद्र के अहंकार को चुनौती दे सूर्य की तपिश से वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं। राधा के वचनों की पालना हेतु हनुमान को करना पड़ता है वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन वासियों, आज मेरे ताप से तुम्हारा शरीर ही नहीं, आज तुम्हारी आत्मा भी जलेगी। इंद्र के अहंकार को चुनौती दे सूर्य की तपिश से वृंदावन वासियों की रक्षा करते हैं कान्हा के परम भक्त बजरंगी। व्यापारी का भेष धर तथा मोतियों की माला दिखा इंद्र राधा को भ्रमित कर करता है कान्हा के विरुद्ध। आपको ऐसा लगता है कि कान्हा ने आपके साथ छल किया है तो उसे क्षमा मत कीजिए, कठोर दंड दीजिए उसे। हटो मेरे रास्ते से, अन्यथा अपना जीवन खो दोगे। लीजिए साक्षात्कार कीजिए इस निर्णायक पल का। विष्णु की भाग्य पत्रिका प्राप्त करने हेतु कंस को करना पड़ता है गंधर्व गण के युद्ध संगीत का सामना। आपके आने से सूर्य देव ने अपने पग पीछे क्यों ना खींच लिए, किंतु इंद्र देव अपने पग पीछे नहीं खींचेगा, वह वापस आक्रमण करेगा और उसके आक्रमण से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। माला ले लो, चूड़ी ले लो। ललिता, शीघ्र बनाओ बेल का शरबत। जितना शीघ्र लोग पियेंगे उतना शीघ्र गर्मी से बचेंगे। बना रहे हो राधा फुलवारी विशाखा, शीघ्र तक करो। माला ले लो, चूड़ी ले लो। माला वाला, चूड़ी वाला। माला ले लो, चूड़ी ले लो। काका आगे जाइए, हमें नहीं लेना। अभी हम इस श्रृंगार प्रसाधन को देखने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बालिके, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास एक सुंदर मोतियों की माला है, ऐसी माला आपने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी बात है। दिखाइए। स्वयं ही देख लीजिए, इससे आपको मेरी बात की सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। ये देखिए। अरे ये तो, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं इंद्र के पास आपका दूत बनके और समझाऊं उनको। हनुमान, मेरा उद्देश्य इंद्र को समझाना नहीं है, अपितु उसके अहंकार का नाश करना और संसार को यह समझाना है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान से कभी कुपित नहीं होते, इसलिए हर मनुष्य को भगवान से भय नहीं अपितु उनसे आनंद की रचनाओं से प्रेम होना चाहिए। किंतु उन्हें यह कैसे समझाया जा सकता है प्रभु? कैसे क्या, क्रय और विक्रय। अर्थात कान्हा ने मुझे अपनी माला बेची, मैंने खरीदी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ग्वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। नहीं नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत करना। क्यों? क्योंकि कान्हा ने मुझे ये माला देते समय कहा था कि मैं बात किसी को ना बताऊं। चुनौती दिया तुझे भगवान कंस को, तोड़ दिया मेरे धैर्य का बांध, दंड दूंगा मैं तुझे तेरी भिक्षा के लिए। अब देखो भगवान कंस का कोप।
दर्श करेंगे रणजीत। अब इन सबको बचाने का एक ही उपाय है, सबको घरों के भीतर लेके जाना होगा। किंतु सूर्य की तपन का सामना करके कौन इनको घरों के भीतर ले जाएगा? बजरंगी, सभी सूर्यदेव से भयभीत हो गए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मैं आपकी आज्ञा का अनुसरण कर नहीं सकता, क्योंकि मैं देवी को दिए वचन से बंधा हुआ हूँ प्रभु। ना ही मैं आपको सुन सकता हूँ और ना ही मैं इस समय कुछ कर सकता हूँ। आपके शब्द प्रभु मेरे कानों तक पहुँचते ही निष्फल हो जाते हैं। मैं आपको अपने वचन से मुक्त करती हूँ। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है बजरंगी दाऊ, मैं आपसे कह रही हूँ कान्हा जैसा कहे वैसा ही कीजिए। चलिए बजरंगी, सबको सुरक्षित स्थान पे पहुँचा दीजिए। किंतु ये कैसे संभव होगा? बाबा, इनके लिए सब संभव है क्योंकि बहुत शक्तिशाली और तेज भी है, मैंने इनको देखा था। आप निश्चिंत रहिए, अपने प्रभु की कृपा से मैं सबको सुरक्षित स्थान में पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले स्त्रियों और बच्चों को घरों के अंदर ले जाओ। आइए, सबसे पहले इस गोपी को ले जाइए। नहीं, गोपी, जब तुम संकट में होती हो तो मेरा ध्यान तुम पे ही केंद्रित होता है, जिसके कारण उस घड़ी मेरे मन में कोई विचार नहीं आता। मुझे तो लग रहा है कि इंद्रदेव को क्रोधित करके हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उनके कोप के कारण ही हमें ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है, और अब हमारी भूल के कारण गोवर्धन को ये सब भोगना पड़ेगा। नंदजी, इंद्रदेव के प्रकोप से अब हमें कौन बचाएगा? इंद्रदेव के कोप से अब हमें इंद्रदेव ही बचा सकते हैं। हाँ, अब तो इंद्रदेव ही हमें बचा सकते हैं। इस प्रकार अपने निर्णय पे पश्चाताप करके बाबा भक्ति के उस दीपक को बुझा रहे हैं, जो दीपक उनके साथ साथ इन सभी लोगों के मन में भी प्रज्वलित हुआ था। आज ग्वाला कितना विवश दिख रहा है, उसने सबको सही मार दिखाया था, किंतु थोड़े से संकट से सब भयभीत हो गई। इस समय मुझे ग्वाले का साहस बढ़ाना होगा। देवी, क्या मैं यह माला देख सकता हूँ? हाँ, केवल देख सकते हैं। सूर्य की तपिश से बचने के लिए कान्हा के सुझाव पर गोकुलवासी करते हैं हनुमान की आराधना। पृथ्वी को नष्ट करने जा रहे सूर्य को करना पड़ता है राम भक्त हनुमान का सामना। मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? यह अंतिम अवसर है आपके लिए सूर्यदेव। अन्यथा एक बार रोका था उदय होने से, दोबारा रोकूंगा। विष्णु की भाग्य पुस्तक में स्वयं की मृत्यु देख भयभीत हो जा। हमें अपने घर जाना है, अब चलिए। चलिए बेटा जी। एक मिनट, जाने से पहले जाने का वजह नहीं बताओगे हमको? हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारे जाने के बाद ना आप मिस्टर जी से पूछ लीजिएगा कि इस हालत में भी हम जो है घर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। पत्नी अपने पति को डराने के लिए चुड़ैल का भेष धारण कर लेती है। शाम को जब पति घर लौटता है तो वो पति के सामने चुड़ैल के गेटअप में आ जाती है। पति पूछता, भाई आप कौन? चुड़ैल। मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे घर में भी एक चुड़ैल है, हमारी पत्नी। आप दोनों मर्दों को शर्म नहीं आती नारियों का अपमान करते हुए, जिसका पूरे मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा आज शाम। इसका रिश्ता आया हमारे पास खुद ब खुद चल गया। ऐसा एक छोरा से इसी गांव का है, तितली को
भले ही पसंद करे, उसका नाम है अविनाश सिंह। जी नमस्ते। जालिम सिंह वहीं ठहर जा, तो रिश्ता तो बहुत दूर रहा भाई, इसको तो मैं एक सेकंड भी अपने घर के चौखट पर खड़ा।